नमस्कार, हिलकस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा शर्मा हाजिर हूं आज की खबरों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज की खबरें। दूसरे ही दिन बैठक से टल गए पुलिस प्रदर्शनकारी, इंतजार करते रहे वित्त सचिव, नहीं आए पुलिस अधिकारी। पुलिस जवानों के पे बैंड पर मंगलवार को बैठक नहीं हो पाई। सीएम जयराम ठाकुर ने पिछले कल सोमवार को बैठक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ये बैठक नहीं हो पाई। हैरानी की बात यह है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रभो सक्सेना ने बताया कि वे बैठक के लिए पुलिस अफसरों का इंतजार करते रहे, लेकिन वे आए नहीं। मुझे लगा इस मामले में दस्तावेज तैयार कर रहे होंगे, बहुत जल्द इस बारे में कोई हल निकलेगा। दूसरी ओर पुलिस के फाइनेंस कंट्रोलर विकास गुप्ता ने बताया कि अफसरों के ना होने के कारण वित्त सचिव शिमला में नहीं थे, जल्द ये बैठक होगी। पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं वित्त सचिव की बैठक ना होने के चलते पुलिस कर्मियों को दिए जाने वाले पे स्केल को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। अन्य विभाग को 2 वर्ष और पुलिस कर्मियों को नया पे स्केल की 8 वर्ष शर्त को लेकर पुलिस कर्मियों में सरकार के प्रति रोष है। इससे पहले रविवार को शाम के समय सैकड़ों पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर ओक ओवर में सीएम जयराम ठाकुर से मिले थे। इस दौरान पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुछ पुलिसकर्मियों को बुलाकर उनसे मांगों को लेकर जानकारी ली थी, जिसके बाद शाम के समय ओक ओवर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए जल्द अधिकारियों की बैठक बुलाकर तकनीकी हल निकाल कर नए पे स्केल देने का आश्वासन दिया था। नया पे स्केल की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों ने प्रदेश भर में पुलिस लाइनों और बटालियन में मेस में खाना नहीं खाया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। दुनिया को अलविदा कह गए डॉक्टर शिव, समाजसेवी एवं पूर्व विधायक ने चंडीगढ़ के अस्पताल में ली अंतिम सांस। प्रमुख समाजसेवी एवं पालमपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर शिव कुमार 82 वर्षीय का सोमवार सुबह चंडीगढ़ के अस्पताल में देहांत हो गया, जिनका मंगलवार यानी आज घूगर नाला शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर शिव पिछले कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। डॉक्टर शिव के सम्मान हेतु मंगलवार को रोटरी आई अस्पताल मारंडा व अन्य समस्त हिमाचल में रोटरी संचालित अस्पताल एवं संस्थान सनातन धर्म संस्था के अंतर्गत गुरु गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज राजपुर तथा अन्य संचालित सनातन धर्म स्कूल पुण्यता बंद रहेंगे। डॉक्टर शिव कुमार एक मृदुभाषी और सज्जन थे, जिन्हें पालमपुर के लोग प्यार से डॉक्टर शिव कहते थे। डॉक्टर शिव एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, स्वर्गीय पंडित अमरनाथ शर्मा के पुत्र थे। डॉक्टर शिव की प्रारंभिक शिक्षा सनातन धर्म हाई स्कूल बैजनाथ और पालमपुर से हुई तथा मेडिकल कॉलेज अमृतसर से MBBS किया। उन्होंने पालमपुर में अपना निजी क्लिनिक शुरू किया और खुद को सबसे लोकप्रिय व्यवसायी के रूप में स्थापित किया। उनके लिए चिकित्सा पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि वास्तविक समाज सेवा थी। डॉक्टर शिव 1977 में रोटरी क्लब पालमपुर के चार्टर अध्यक्ष के रूप में रोटरी में शामिल हुए और लगातार 3 वर्षों तक अध्यक्ष बने रहे। इस दौरान पूरे रोटरी जिला में पालमपुर रोटरी ने अपना नाम स्थापित किया। एक समर्पित रोटरियन के रूप में अपने विशिष्ट करियर के दौरान उन्होंने जिला स्तर पर जिम्मेदारियां निभाई। तीसरी बार सांसद बनी प्रतिभा सिंह, शपथ लेने के बाद सोनिया राहुल गांधी से मुलाकात। मंडी लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद प्रतिभा सिंह ने सोमवार को संसद भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के समक्ष अंग्रेजी भाषा में शपथ ली। प्रतिभा सिंह तीसरी बार संसद में पहुंची है। इससे पूर्व वे 2004 और 2013 में उपचुनाव जीतकर सांसद बनी थी। शपथ लेते ही सांसद प्रतिभा सिंह का कार्यकाल भी शुरू हो गया। गौरतलब है कि मंडी उपचुनाव में सांसद प्रतिभा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर को 7,490 मतों से पराजित किया था। प्रतिभा सिंह को कुल 3,69,565 मत मिले थे। मंडी की सीट पूर्व सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद खाली हुई थी। अब प्रतिभा सिंह का शपथ ग्रहण हो गया है और आधिकारिक तौर पर वे मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद हो गई है। सांसद प्रतिभा सिंह ने शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने मंडी के विकास पर जोर देने की बात कही है। एक रूपता बनाने के लिए वे मंडी में एक कार्यालय खोलेंगी ताकि लोगों की समस्याएं उन तक पहुंच पाए।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 85 नए मामले, एक भी मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड के 85 नए मामले आए हैं, जबकि एक भी मौत नहीं हुई है। कोविड के नए मामलों में बिलासपुर में 1, चंबा में 3, हमीरपुर में 14, कांगड़ा में 25, मंडी में 19, शिमला में 16, सोलन में 2 और ऊना में 5 मामले आए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस 824 रह गए हैं। इसके साथ अभी तक संक्रमण के 2,22,422 मरीज ठीक भी हो गए हैं। वहीं प्रदेश में कोविड से अब तक 3830 मरीजों की मौत हुई है। कोविड के मामलों में पिछले कई दिनों से उछाल आ रहा था, लेकिन अब कोविड के मामलों में कटौती होने से लोगों को राहत जरूर मिली है। तो मैं शिल्पा शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए हिलक्रेस्ट न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।